Angad. I'm so happy, beta, ki sab theek ho jayega. Sab kuch theek ho jayega? Arey, sab kuch theek ho gaya hai. Angad ko itni badi mushkil se chutkara mil gaya hai. Aur kya chahiye hame? Nahi, Dad. Sab kuch theek nahi hua. Angad, beta, kisi ke bhi liye apne dil mein mel mat rakhna. जो हुआ उसे भूल जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो, और फिर सबने वही कहा जो उन्हें लगा कि सच है, पर आखिर तो सच्चाई सामने आ ही गई है। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो हमें खुश होना चाहिए ना कि मैं निकलता हूँ मॉम। दिलीप, अंगद छूट गया है ये खुशी की बात है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब कानन की वजह से हुआ है और कानन का रिश्ता अवंतिका से है। हम श्योर अवंतिका इस बात को अंगद को अपने करीब लाने के लिए जरूर इस्तेमाल करेगी। इससे पहले कि वो कुछ ऐसा करे हमें कुछ करना होगा। कानन, तुमने आज जो भी कुछ मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तुम अगर इन वक्त पे कोर्ट में नहीं आती तो आई एम सॉरी अंकल, लेकिन शायद तुम्हें ये सुनकर बुरा लगे कि तुम्हारे थैंक्स की असली हकदार अवंतिका आंटी है। हाँ, अगर आज वो नहीं कहती ना तो शायद मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने नहीं आई। तुमने उस दिन उनके साथ जिस तरह बिहेव किया उसके बाद उन्होंने तो तुम्हें जरूर माफ कर दिया होगा, लेकिन तुम्हारी उस हरकत के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मुझे अनजाने में मिला, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकती। अंगद, अगर तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है तुम्हारी मदद करके मैंने तुम पर एहसान किया है, अगर तुम वाकई में किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो उनसे जाकर मिलो। थैंक यू अवंतिका, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है कनन ने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे कहने पर ही किया है। अंगद को बचाने के लिए मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड टू अस। थैंक यू। लेकिन अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हें अंगद के पास आने दूंगा तब तो तुम मुगालते में जी रही हो। बिल्कुल गलत सोच रही हो तुम। अवंतिका, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम ये सब करके अंगद के पास आना चाहती हो, उसे ये बताना चाहती हो कि तुम उससे कितना प्यार करती हो, उस पर सच्चाई जाहिर करना चाहती हो, चाहती हो कि वह हमें छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए। क्यों, सच कह रहा हूं ना मैं? तुम में और मुझ में फर्क है दिलीप। तुम जो भी काम करते हो अपने फायदे के लिए करते हो, पर मेरे लिए इनी ममता कोई सौदा नहीं है। मैंने अंगद को बचाया क्योंकि क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा बच्चा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। मुझे ये एहसास था इसलिए नहीं कि कि अंगद मेरे पास वापस आ जाए। और दिलीप, मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे तुम्हारे सीधे से चेहरे के पीछे एक जानवर छिपा है। जानवर? ये सब जानकर भी क्या होगा अवंतिका, अंगद तो तुम्हें मिलने से रहा। क्या है ना दिलीप, सच्चाई तो एक न एक दिन सामने आकर ही रहेगी। अंगद वापस जरूर आएगा। आएगा।
रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बहुत भरोसा है तुम्हें अपने ऊपर, अपने ईश्वर पर। कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा ये ईश्वर। अगर कुछ कर पाता तो तुम्हें 14 बरस के लिए जेल में नहीं सड़ना पड़ता। वो तो शायद मेरे इस गुनाह की सजा थी कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। अवंतिका, मुझे तुम्हारी इस फ्रस्ट्रेशन पर गुस्सा नहीं बल्कि दया आ रही है। I pity on you. Well, अंगद अब जेल से रिहा हो गया है और वो अपनी फैमिली के साथ बेहद खुश है। इसलिए मैं तुम्हें आगाह करने आया हूँ कि हमारी इन खुशियों में दखल देने की कोशिश भी मत करना। डू नॉट इवन ट्राई टू इंटरफेयर। मुझमें आज भी बरसों पहले वाला दिलीप कहीं जिंदा है। आई विल नॉट स्पेयर यू एट एनी कॉस्ट। देखो वंतिका, जो भी हो, किसी जमाने में तो मेरी बीवी थी, तो इसका लिहाज करते हुए मैं तुम्हें एक दोस्ताना सलाह देना चाहता हूँ। पिछली बार जब तुमने अंगद को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी, तब तुम्हें अंगद के हाथों जलील होना पड़ा, बेइज्जत होना पड़ा। इस बार ये भूल भूल कर भी मत करना। मालूम है अभी कुछ दिन पहले तुम कृपा से भी मिली थी। उस बच्ची के बहाने तुम अपने लिए सिंपति गेन करना चाह रही थी। But I have turned the tables against you, baby. और अब कनन भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रही है, यही सब करने की कोशिश कर रही है वो। अवंतिका, इस बार ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना अंगद और ना ही कृपा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस बात को भूल जाओ कि तुम्हारा मेरे साथ या अंगद के साथ कोई रिश्ता है। हाँ, लेकिन एक बात भूल कर भी मत भूलना। पिछली बार मैंने तुम्हें तुम्हारे पति के झूठे कत्ल के इल्जाम में फंसाया था। इस बार भी मैं कुछ भी कर सकता हूं। कार्तिक, कार्तिक, क्या तुम्हें भी लगता है मैंने जो कुछ भी किया गलत किया? कार्तिक, मैं जानती हूं कि मुझसे एक गलती हो गई। देखो कृपा, मैं मानता हूँ कि अंगद तुम्हारे साथ बड़ी बेरुखी से पेश आया, और जहाँ तक सवाल है तुम्हारी गलतियों का, तो ऐसा तुमने पहली बार तो किया नहीं, कई बार कर चुकी। मैं मानता हूँ कि तुम अंगद से बहुत ज्यादा प्यार करती हो और वो तुमसे, मगर एक बात बता, तुम्हें हमेशा अंगद के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत? क्यों तुम्हें लगता है कि अंगद ही गुनेगार, जब उसे तुम्हारे प्यार, तुम्हारे सहारे की, तुम्हारे विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत? तुम तभी उसे छोड़ देती? कार्तिक, शीतल मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मुझे लगा। कृपा, अंगद मेरा भाई है, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर वो कोई गुनाह करे तो उसे छोड़ दिया जाए। नहीं, इस दुनिया में हर इंसान को उसके गुनाह की सजा मिलती है और मिलनी भी चाहिए। मगर तुम एक बात जानती हो, हम जिन लोगों को चाहते हैं, जिन्हें प्यार करते हैं, उनके बारे में कम से कम इतना तो जानते हैं कि वो शख्स कौन सा गुनाह कर सकता है और कौन सा नहीं। कृपा, ये विश्वास होता है ना, ये प्यार की बुनियाद है, और इसके बिना प्यार पनप ही नहीं सकता। कार्तिक, प्लीज, मैं अंगद को खोना नहीं चाहती। मगर तुमने हर बार अपनी बेवकूफियों की वजह से उसे खोया है, हर बार अंगद को अपने से दूर किया है। कृपा, किस्मत ने तुम्हें कितना अच्छा हस्बैंड दिया है, अब ये तुम्हारे हाथों में है कि तुम। कार्तिक, देखो कृपा, जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं कोई भी सजा पाने को तैयार हूं, पर अंगद से कहो ना मुझसे बात कर, उस
उसने मुझसे बात तक नहीं की और कह रहा था कि वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। कार्तिक प्लीज। हाँ, उसकी ये वजह है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। कृपा, हम जिन लोगों को बहुत ज्यादा चाहते हैं उनकी गलतियों पे भी हमें बहुत गुस्सा आता है, समझे? और वैसे तुम घबराओ नहीं, वो कहीं जाएगा नहीं, He'll come back to you, क्योंकि वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि असमत तुम्हें एक मौका और देगी, लेकिन एक बात याद रखना, मौके बार बार नहीं मिलते, समझ रही हो तुम? इसलिए इस बार कोई गलती मत करना, बी वेरी केयरफुल, समझे? हेलो, नैना बोल रही हूँ। बोलो नैना। मानती हूँ कि आज अंगद को तुमने बचा लिया, लेकिन इसकी वजह क्या है? कहीं तुम अंगद को पाने के लिए तो ये सब? नैना, तुमने जिंदगी में हर काम लालच के लिए किया है और इसलिए तुम्हें हर चीज में लालच और सिर्फ लालच ही नजर आता है। अंगद बेटा है मेरा और सिर्फ इसलिए मैंने तुम्हारे बार बार कहने से अंगद तुम्हारा बेटा साबित नहीं हो जाता। अंगद किसका कौन है ये तो इस कोर्ट केस ने साबित कर दिया है, और इस कोर्ट केस ने ये भी साबित कर दिया है कि खून आखिर खून ही होता है, और वो पुकारता भी है। जो लोग अंगद का अपना होने का दावा कर रहे थे वो या तो कोर्ट में अंगद के खिलाफ खड़े थे या फिर चुपचाप तमाशा देख रहे थे। कुछ नहीं कर पाए वो, कुछ नहीं कर पाए। हो, तो तुम कहना चाहते? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया नैना, सिर्फ कोशिश की, और वो तुम भी कर सकती थी। मैं जानती हूँ अवंतिका तुम्हारे इरादे क्या हैं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे अंगद की आसपास भी दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी तुमसे बुरा है कौन नैना? एक बात बताओ कृपा, क्या मैं अंगद से प्यार नहीं करती? क्या मैं गलत हूं? हर कोई मुझसे आकर कह जाता है कि मैंने अंगद की मदद नहीं की, बस खड़ी खड़ी तमाशा देखती रही। मानती हूं कि अंगद के साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं, पर क्या मेरा उससे कोई रिश्ता ही नहीं? मम्मी जी, आप एक गलत इंसान से रिश्तों के बारे में पूछ रही हैं, उस इंसान से जो खुद अपना रिश्ता नहीं संभाल पाया। मम्मी जी, मैं अंगद को खोना नहीं चाहती, पर लगता है इस बार हमेशा के लिए खो दूंगी। डोंट वरी कृपा, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ अंगद तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे पास जरूर लौट आएगा, और फिर तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं है, वो तो शीतल और मिष्टी की वजह से। नहीं मम्मा, दूसरों को दोष देने का क्या फायदा, शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई थी। दो लोगों के बीच कोई तीसरा तभी आ सकता है जब उन लोगों में दूरियां हो। हमारे बीच मिष्टी इसलिए आई क्योंकि हमारे बीच दूरियां थी। मम्मी जी, शायद गलती मेरी ही थी, शायद ये दूरियां मेरी ही वजह से है। दिल छोटा नहीं करते बेटा। नहीं मम्मी, जब हमारी कोई कीमती चीज खो जाती है या उसे कोई चुरा लेता है तो गलती चुराने वाले की नहीं होती, गलती हमारी होती है। शायद हम ही उस चीज का ख्याल नहीं रख पाए। गलती मेरी है। जिस कीमती चीज को खोने का डर तुम्हें है, उसी चीज को अपने अंगद को खोने से मैं डर रही हूँ कृपा। मैं नहीं चाहती कि मेरा अंगद मुझसे छिन जाए। नहीं, मैं अवंतिका को ऐसा नहीं करने दूंगी।
फॉर्म। आपने सच कहा था मॉम, मुझे सब कुछ भुला के जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मॉम, मैंने सबको माफ कर दिया है। अब मैं वापस अपने लोगों के बीच आ गया हूं, अपने घर आ चुका हूं। I want to move ahead in life. And I want to throw a party, mom. Why not? In fact, मैं भी दिलीप से इसी बारे में बात कर रही थी। हाँ बेटा, पार्टी होनी चाहिए, और ऐसी शानदार पार्टी होनी चाहिए, ऐसी शानदार कि सबके लिए यादगार बनकर रह जाए, कोई इसे भुला ना पाए। आप सही कह रहे डैड, पार्टी तो ऐसी होगी कि कोई उसे भुला नहीं पाएगा।